दिक्कत नहीं है, बिल्कुल धन्यवाद। इस तरह से प्रारंभ मैच, रनिंग प्रारंभ, ये देखिए रनिंग और तावा और सही रेजमेंट, बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पर देखने को मिला। होना एक बार तैयार, विशेष का एक और तीन और दस, दूसरी रनिंग के लिए टीम तैयार। बहुत ही जोरदार खोखो पाई और रीवा जिला बच्चे और खोखो संघ द्वारा आयोजित क्षेत्र के सभी लोगों खिलाड़ी ऑफिशियल की पहली नजर निश्चित ही आनंद देता हुआ। श्यावन सिंह 10 नंबर की जर्सी पर, एक नंबर पर स्वप्निल सिंह परिहार, एक नंबर लंबे कक्का ठीक है तैयार, तो निश्चित ही यह खो खो बहुत आनंददायक होगा। हमें कबड्डी और खो खो का एक निश्चित राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, जो सिंगरौली में आगे खो खो की और कबड्डी। हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र पाठी जी, जो रीवा जिला खो खो संघ के अध्यक्ष है, यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके साथ में डॉक्टर संजीव मिश्रा जी, चीफ कोऑर्डिनेटर फिजिकल एजुकेशन और तेज प्रताप सिंह विश्वविद्यालय यहाँ पर उपस्थित है। मैं दोनों ही महत्वपूर्ण हस्तियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसे तो हुआ है, मैं कमेटी बॉक्स में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसी शख्सियतों तो का आगमन। क्या प्रयास, दावा देखिए, दस नंबर की जर्सी रनिंग पर, अच्छी लंबाई का पूरा फायदा लेती है, निश्चित ही लंबाई और लंबे हाथ में सबसे ज्यादा रनिंग की आवश्यकता होती है। खो खो एक ऐसा खेल, क्रिकेट में आप एक दिन पूरा समय व्यतीत करते हैं, वो ऊर्जा आपको 10 मिनट में ही पूरी मिल जाती है। 100% एक्सरसाइज भारतीय खेल का यह पुराना खेल खो खो, आज क्या जीते थे रनिंग, रनिंग चूज किए थे निश्चित ही सही, यहाँ पर सही सोच, बहुत ही बेहतर प्रयास। देखिए सफलता मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, सफलता मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम प्रयास ही न करें ये गलत बात है, लेकिन यहाँ प्रयास 100% अपना दावा देते हुए, कहीं ये देखिए प्रयास, देखिए इन बच्चों का, इन नौनिहालों का, इन वो युवाओं का, इन खिलाड़ियों का, हम जिनके उत्साह वर्धन के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अरे ऐसा ना मैच, कोई कहता भाग, कोई कहता पकड़, यह जोश से लबरेज खो खो का यह खेल, आज का यह अगला पड़ाव, ये प्रतिबद्धता देखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या कोई भी चोट, लेकिन फिर भी अपने टीम के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरी दौड़, कहीं से दर्द सह लेंगे लेकिन टीम को झुकने नहीं देंगे, यह सोच निश्चित ही एक खिलाड़ी के युवा को और झकझोर देता है। बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो विपरीत परिस्थिति में बेहतर परिणाम देने की कोशिश करे, और यह टीम की जरूरत घुटने में चोट, लेकिन चोट कुछ भी नहीं, हमारा हौसले के आगे यह चोट कुछ भी नहीं। क्या बात है,
लगातार रंग की तलाश, लगातार दौड़ की तलाश, लगातार दावे की तलाश, और यहाँ पर किशोर में पूर्ण प्रारंभ कटारी दिया गया है। तो ये रनिंग अप रनिंग पर दावा और ये पॉइंट है, निश्चित ही यही थ्री पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण होगा, खेल यहाँ अभी बनाना होगा। मेहनत, तैयारी, दौड़, जद्दोजहद, रनिंग सब कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। इस मैदान ही ऐसा है रीवा का जिला, रीवा अपने प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का यह प्रांगण जिसमें न जाने कितने खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी हर खेल में पहचान बनाए हैं। पूरी टीम, कोच, मैनेजर सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। और ये पॉइंट दो पर सदगुरु ग्रुप, ठीक है, दो प्लेयर आउट हो चुके और यहाँ बहुत 3 मिनट का भी खेल हुआ है, देखना है क्या होता है। चौकना पना देखिए, एक दूसरे का साथ, यही है खो खो की पहचान। पूरी धारा जो साथ दे तो और बात है, पूरी 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 धारा जो साथ दे तो और बात है, आप जरा सा साथ दे तो और बात है। एक पांव से चलते हैं लोग मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, एक दूसरे का साथ यह खो खो की परिभाषा। हम जब खो बोले तब तुम उसको छूने के लिए पूरी तरह तैयार रहो। और जबरदस्त, बहुत ही शानदार मैच का लुत्फ लेते हुए सभी महनीय ऑफिशियल का, खेल प्रेमियों का, मैसी मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आनंद से भरा यह मैच, पांच और छह, नौ नंबर रनिंग करते हुए नंबर, पांच
धन्यवाद। 3, 8 और 5 तैयार है इसके बाद के लिए रनिंग के लिए। हमारे बीच में अभी अभी रीवा की ऐसी प्रतिष्ठित हस्ती आदरणीय श्री एडवोकेट आप ही जाकर आदरणीय अरशद भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। क्योंकि इस टूर्नामेंट के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीएन त्रिपाठी सर, दादा भाई संजय पांडे जी सचिव, आयोजक सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला खो खो संघ, इन दोनों की छत्र छाया में लगातार ये तीसरा वर्ष है कि हम यहाँ आयोजन करा पा रहे हैं। आप दोनों ने चाहे अनिल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ये खो खो परिवार के हमारे कोई भी सदस्य, हम लोगों को इतनी आपने पावर दे रखी है, हमेशा आपका सहयोग इतना रहता है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे जैसे हो, कि कभी कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी अतिथि, कोई भी अतिथि दीपा का न छूटे ऐसा, यह खेल से जुड़ा हुआ तीसरा न छूटे ऐसा आपका हमेशा मार्गदर्शन रहता है। मैं मंच से सभी अतिथियों का पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आदरणीय हम सबके बीच में राष्ट्रीय खिलाड़ी व जिला बास्केटबॉल टीम की कोच खेल एवं युवा कल्याण विभाग आदरणीय राखी दीदी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आदरणीय नागेंद्र से विशेष अनुरोध करता हूं दीदी का कुछ गुच्छ के साथ स्वागत करें। निश्चित ही बधाई, आपका स्वागत विराजे, आपका स्वागत। बड़ी कीमत समय की है, लगाया समय की लागत, पढ़ाई है मेरी शोभा, पढ़ाई है मेरी शोभा, मेरी की आपकी चाहत, विराजे आपका स्वागत, पधारे। इसी की जो विनर है वो फाइनल में खेलेंगे, तो बड़े ही जद्दोजहद के साथ ये मुकाबला चल रहा है। हमारे जो दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, आप लोग सम्मान यहाँ चेयर में आकर के बैठ सकते हैं। सामने की सीढ़ियां हैं, वहां भी आप जाकर के सम्मान बैठ सकते हैं। निश्चित ही सही बात है, आप किसी भी एंगल से देखेंगे ये खो-खो ऐसा खेल ही है जो पूरा आपको मिलेगा, कोई भी एंगल से आप देखें। चेयर पीछे खाली है, आप मंचाशील बोले, ये छोटे बालक भी लुत्फ लेते हुए क्रिकेट खेल कर आए हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, कबड्डी का पूरा लुत्फ ले रहे हैं, खो-खो का सॉरी। और ये प्रतिभा है, यहाँ तराशा जाता है कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, और यहाँ से देश के कोने कोने तक आदरणीय श्री संतोष अवधिया जी की मंचाशील उपस्थिति है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी शख्सियतों का, अपने भी सानिध्य पाकर मन हर्षित और गर्वित है। दावा है, हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल रनिंग के लिए खेल है, कुछ खास है यह। साइड हो जाए थोड़ा सा, ¡Gracias!
दावा पे दावा, एक एक अंक नहीं मिला तो फिर प्रयास, मिलेगा क्यों नहीं सफलता, पहले अटेम्प्ट फिर मौन, नहीं मिला तो पुनः प्रयास, यही तो है। और इस तरह से तो निश्चित ही यह मैच अभी कहां जाएगा, कहां नहीं जा सकता, आनंद लगातार जारी रहेगी। हमें अभी बहुत मेहनत करनी होगी सदगुरु ग्रुप को, किसी भी एक नक्शे खिलाड़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी भी कांटे का मैच हो, उनके पास भी हुनर है, रनिंग है, लेकिन दावा है अगर हार्ट बताएगा ना तो स्टार्ट करेगा शुरू से, उनको समय का भी ध्यान रखना है, दावे का भी ध्यान रखना है। क्या है ये है, जितना रखे ग्रहण हो उतना पूर्ति, यानी हमें लगता है विश्व का सबसे फूर्ती वाला खेल अगर कुछ है तो वो है खो खो। शिखर खो खो संघ के तापला भान में आयोजित यही खो खो प्रीमियर लीग तृतीय सीजन 3 का सुंदर आगाज। इस सजीले खूबसूरत ग्राउंड पे चमचमाती हुई दूधिया प्रकाश में कीर्ति तारे का कुल यानी भिंड क्षेत्र का पूरा यहाँ फिर देखने को मिलता होगा। मानस ने इनकी हमारे मीडिया क्षेत्र के रीवा के बड़े ही धुरंधर आदरणीय बाबला भैया का यहाँ पर आगमन हो गया है। मैं टूर्नामेंट आयोजन समिति की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अनिल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको पुष्पगुच्छ दे करके उनको स्वागत करें, क्योंकि मंच पर तो उन्हीं जाएंगे मैं जानता हूं जो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्हीं पर उनको पुष्पगुच्छ दे करके माला पहना करके आदरणीय बाला भैया का स्वागत करें। आदरणीय बाबला भैया का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी खेल के आयोजन में और उनके द्वारा खिलाड़ियों को अपने लेखनी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। हम टूर्नामेंट आयोजन समिति की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि हमारे बिल्कुल अभी कर लीजिए, कुछ देर बाद मामला भैया ही सबका कैद करेंगे। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी तकलीफ मामला स्टूडियो दैनिक भास्कर के प्रमुख संपादक रिपोर्टर हमारे बीच है, मैं उनका हार्दिक श्रद्धा अभिनंदन करता हूँ। यह खेल इसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा बालिका वर्ग का, जिसमें PBS मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस आदर्श सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य खेला जाएगा। क्या बात है, अपने स्टार खिलाड़ियों का पूरा समर्थन करते हुए देखिए यह हौसला, यह प्रयास
इन खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं, हम हाफले के उड़ान ही देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं।